हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओम नि शिवाय में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि एक ब्लॉगर हैं निखिल सर, और निखिल सर क्या मैं निखिल भैया बोलूँगी उनको, क्योंकि मैं उनको अपना छोटा भाई मानती हूँ। और 12 ज्योतिर्लिंगों के आपने उनके वीडियो भी देखे होंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों के वो दर्शन कर रहे हैं साइकिल पे। ऑलरेडी उन्होंने सारे दर्शन कर लिए, 2 या 3 उनके रह गए हैं। तो वो दिल्ली आए हुए थे तो मैंने उनको इनवाइट किया है लंच के लिए, तो मैं उन्हीं के लिए खाना बना रही हूँ। देखिए मैंने छोले बना लिए हैं, देखिए ये देखिए मैंने इनके लिए छोले बना के रखे हैं, और पनीर की सब्जी है, राइस में बनाने जा रही हूँ। और जब वो आएंगे तो मैं मिलाऊंगी, क्योंकि मैंने उनको लंच पे इनवाइट किया है और वो रास्ते पे होंगे, और मैं आपको आज उनसे मिलाऊंगी। तो खाना रेडी कर लेती हूँ मैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने भैया का वेट कर रही हूँ, और जो ऑलमोस्ट 12 ज्योतिर्लिंग के लिए निकले थे घर से और वो दिल्ली आए हुए हैं, तो आज मैं आपको उनसे मिलाने जा रही हूँ। तो ये है निखिल भैया जी, आप ये काफी फेमस हैं, आप इनसे मिल चुके होंगे, तो भैया आप अपने बारे में बताइए कुछ कि आपको कैसे लगा कि 12 ज्योतिर्लिंग के लिए आप निकले। सबसे पहले तो मैं अपना बता दूं, मेरा नाम निखिल काश्यप है और मैं बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड से बिलोंग करता हूं। और मैं जब निकला था 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए, मैं तो सोचा नहीं था कि मुझे 12 ज्योतिर्लिंग करना है। मैं वैष्णो देवी गया था ट्रेन से वापस आया, 2 दिन नहीं हुआ मेरा घर में, मुझे लगा कि यार मन नहीं लग रहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। तो मैं साइकिल खरीदा और सीधे मैं निकल गया हाईवे पे। मैं सोच के निकला था सिर्फ केदारनाथ जाएंगे, और मम्मी को भी घर पे मैंने बताया, मम्मी केदारनाथ जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। हाईवे पे जाने के बाद मुझे लगा कि नहीं, 12 ज्योतिर्लिंग ही मुझे करना है। तो हम सीधा निकल पड़े, दिल्ली वाला रास्ता, केदारनाथ का रास्ता छोड़ के हम चले गए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वाला वो रास्ता चले गए। तो अभी तक मेरा जो है ना, ये टोटल अभी 6 महीना 7 महीना होने वाला है मेरा, 6.5 महीना हो गया मेरा यात्रा का, और अभी तक मैंने 10 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले मैं घर से निकला था तो सबसे पहले मैं बंगाल के रास्ते उड़ीसा गया था जगन्नाथपुरी, फिर वहाँ से मैं आंध्र प्रदेश श्रीशैलम मल्लिकार्जुन पहला ज्योतिर्लिंग मेरा हुआ। फिर वहाँ से सीधा मैं बैंगलोर से मदुरई, मदुरई से रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला से फिर मैं महाराष्ट्र आया, महाराष्ट्र में भीमा शंकर, फिर शिरडी साईं बाबा, गिरीशनेश्वर महादेव, फिर मध्य प्रदेश गया ओमकालेश्वर, महाकालेश्वर, फिर मैं महाराष्ट्र आया त्र्यंबकेश्वर से फिर मुंबई गया, मुंबई में मैं सोनू सूद से मिला, फिर वहाँ से मैं सूरत, भावनगर, वडोदरा, फिर सोमनाथ गया, सोमनाथ से द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, भेट द्वारिका करके जामनगर, राजकोट, फिर अहमदाबाद, गांधीनगर, फिर उदयपुर से मैं पुष्कर गया, पुष्कर में ब्रह्मा जी का दर्शन किया। वो ब्रह्मा जी का पूरा भारत में एकमात्र मंदिर है जो पुष्कर में है, ब्रह्मा जी का मंदिर, और पूरा भारत में कहीं पे आपको ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं मिलेगा। फिर वहाँ से मैं जयपुर गया, जयपुर से अभी मैं यहाँ पे दिल्ली आया हूँ दीदी के पास। दीदी ने तो मुझे बहुत, मतलब कि काफ़ी दिनों के बाद मैं यहाँ पे अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत एक लास्ट टाइम मैं घर वाला खाना खाया था यहाँ पे गुजरात में अपने भाभी के पास, उसके बाद फिर मैं सीधा यहाँ पे खाना खा रहा हूँ। मतलब दीदी ने मुझे इनवाइट किया और काफ़ी टेस्टी खाना था, खाना तो खत्म हो गया, आप लोगों को दिखा नहीं सकते, आप लोगों को दिखाएंगे तो मुँह में पानी आ जाएगा, खैर फॉरगेट। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आप निकलूँगा हरिद्वार से केदारनाथ से फिर मैं लखनऊ, अयोध्या, इलाहाबाद से बनारस से पटना से फिर मैं अपना झारखंड बैजनाथ धाम चले जाऊँगा। तो ये जो टोटल यात्रा मेरा होने वाला है, ये 18,500 किलोमीटर का ये टोटल यात्रा होने वाला है, और इसमें जो है टोटल 15 स्टेट मैं क्रॉस करूँगा, और अभी तक मैं 12 स्टेट कंप्लीट कर चुके हैं और 13,500 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं। तो यही मेरा यात्रा था, आगे अब दीदी बताएगी। तो आप निखिल भैया से मिले, और ये इनको भोले बाबा की कृपा है, ये इतना स्ट्रगल कर रहे हैं कि ये साइकिल के ऊपर इतनी मेहनत करके और ये मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, ये बिना भगवान की आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं है। तो आप, मैं भैया का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप इन्हें सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसलिए मैंने बुलाया था इनको क्योंकि मैंने इनके ब्लॉग देखे हैं सारे, बहुत अच्छे हैं, आप भी देखिएगा। और एक चीज और बताओ भैया कि कितनी जगह पे गए हो आप, सबसे ज्यादा कठिनाई आपको कहाँ लगी, आपको ऐसा लगा कि मैंने डिसीजन से गलत ले लिया कहीं, ऐसा मुझे लगा तो आंध्र प्रदेश में लगा,
जब रुकने का कहीं जगह नहीं मिल रहा था, साइकिल चलाया जा रहा है, 11 बजे रात तक रुकने, ऐसा लग रहा था कि मतलब आंध्र प्रदेश में हमको लग रहा था कि हम गलत डिसीजन ले लिया, हमको सिर्फ केदारनाथ करके ही घर चले जाना था। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा तकलीफ हुआ। और फिर तमिलनाडु में हुआ, तमिलनाडु में उधर का मतलब कि आदमी के वजह से, वो मेरे साइकिल के पीछे, आप लोग वीडियो देखोगे अगर, तो मेरे साइकिल के पीछे तिरंगा लगा रहता है, तिरंगा के कारण जो है वो लोग हमसे लड़ाई करने की कोशिश किया था। अच्छा, क्या किया उन्होंने तिरंगे के साथ? वो रामेश्वरम से धनुषकोडी हम जा रहे थे, श्रीलंका बॉर्डर के पास जहाँ लक्ष्मण राम सेतु पुल है, वहाँ पे हम जा रहे थे। तो उस समय बोला उधर का मुस्लिम लोग कुछ था कि उस समय बोला कि ये तिरंगा यहाँ से हटाओ, इधर नहीं चलेगा, बोले अपने लैंग्वेज में, बोलो एल एल उल्ला कैसे बोलते हैं वो सब लैंग्वेज में। तो हम बोले, फिर वहाँ पे हम चिल्लाने लगे, गाड़ी वीड़ी जा रही थी, चिल्लाने लगे भैया, हेल्प हेल्प करने लगे, तो वो लोग भाग गए। तो बॉर्डर पे, हर जगह बॉर्डर पे ये कहानी होती है। कभी आप चले जाओ या कश्मीर चले जाओ, वहाँ पे देखो तो पाकिस्तान का झंडा, श्रीलंका बॉर्डर चले जाओ तो बोलेगा श्रीलंका का झंडा, इधर सिक्किम साइड जाओ बोलेगा चाइना का झंडा। अच्छा, अब ये बताइए कि लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जेनरेशन जो यूथ है वो कैसे अगर ट्रैवलिंग करे तो साइकिल के एक बहुत ऑप्शन अच्छा है। सबसे मैंने पेट्रोल की बचत हो जाती है, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज तो बहुत बॉडी की अच्छी हो जाती एक्सरसाइज, है। फुल्ली बॉडी की हाँ, एक्सरसाइज रहती है तो कोई टिप्स देना चाहेंगे जो ऐसे सब। करना और चाहते हो एक चीज़ हमारा तो जो है ही, यूथ? अब तो एक चीज़ तो है, सबसे पहले तो ये जो मेरा यात्रा है, ये यात्रा मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ। अब मेरे साइकिल में बोर्ड में पढ़ोगे लिखा रहेगा, मेरी यात्रा शहीदों के नाम, मेरा उनको सलाम। तो मेरा जो यात्रा है ना, बस शहीदों के लिए है, और बाकी बस सब के लिए है, शहीदों के लिए, स्पेशली शहीदों के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि मैं भोलेनाथ से मांगता हूँ कि उनके घर में कभी भी दुख ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। तो मेरा ये मकसद है। देखिए कितना अच्छा संदेश लेके निकले हैं भैया, क्योंकि ऐसा हर कोई नहीं सोचता। जो लोग, कई लोगों की तो ये सोच होती है कि वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी तो हर कोई अपने घर में कर रहा होता है अपने परिवार के लिए, लेकिन वो अपने परिवार को छोड़कर गए हैं हमारे लिए, अपने पूरे हिंदुस्तान के लिए वो गए हैं। उसके लिए भैया इतना अच्छा एक अच्छा एक मन में मोटिवेशन लेके चले हैं कि ये शहीदों के नाम ही अपनी यात्रा को समर्पित कर रहे हैं। तो आप इनका इनका जो ब्लॉग है जरूर देखिएगा, आप पूरा ब्लॉग को देखिएगा, और इनके सारे ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। तो निखिल भैया, आप अपना यूट्यूब चैनल का नाम बता देंगे, इंस्टाग्राम की आईडी बता देंगे, प्लीज़ आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। आपको ये आपके शहर में अगर आते हैं तो प्लीज़ इनको इनवाइट कीजिए, ये भी हमारे घर के सदस्य जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं। देखो मैंने भी बुलाया, मेरे पूरे परिवार ने इनका वेलकम करा है, आप भी बुलाइएगा। तो भैया आप अपने आईडी बताओ। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है ट्रेवल विथ निखिल, और इंस्टाग्राम का आईडी है Nick143, NICK नहीं, NII CK143। वैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो सीधे मेरे आईडी पे पहुँच जाओगे। मेरा फोटोज़ वगैरह सब उसी में आता है, जितने भी स्टोरी आते हैं यूट्यूब पे, वीडियो तो बाद में आते हैं लेकिन स्टोरी पहले आ जाता है। कि जैसे कि अभी हम हरिद्वार जाने वाले, तो अभी पहले डाल देंगे स्टोरी, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे उसके बाद ही वीडियो आएगा। तो उससे आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि हम कहाँ से कहाँ जाने वाले। और ये मेरे साथ साथ दीदी का भी चैनल आप सब्सक्राइब करो, ये भी मतलब कि ब्लॉगिंग ब्लॉग करती है, फूड्स की ब्लॉग करते हो ना, खाना बनाती है, मतलब कि हम अगर भागते हुए आए ना तो बस समझ लो भाई खाने के लिए आए मतलब कि टेस्टी खाना बताए क्या बोले। फ्रेंड्स, देखा आपने निखिल भैया के साथ हमने आज छोटी सी मुलाकात करी है। मैं हमेशा ये चाहूंगी कि जब भी ये दिल्ली आए हमेशा मेरे घर आए, मेरे छोटे भाई की तरह हैं ये, तो मैं हमेशा ये चाहूंगी कि जब भी आए मेरे पास आए। और आप प्लीज मेरे चैनल को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज वीडियो जरूर पूरा देखिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।